दोस्तों अगर आपके पास एक एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड कह सकते हैं या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी है, तो आपने पीछे देखा होगा कार्ड के, तो यहाँ पे आपको एक सीवीवी कोड देखने को मिलता है। ये तो ये सीवीवी कोड होता क्या है, ये पीछे साइड क्यों दिया गया होता है? और अक्सर हमें कहा जाता है सीवीवी कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड होता है। तो ये सीवीवी क्या होता है, कैसे काम करते है, थोड़े चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप किसी भी कार्ड को देखते हैं तो सामने आपको बहुत सारी डिटेल मेंशन मिल जाती है, जैसे कार्ड नंबर हो गया, आपका नाम होता है वहां पे, उसके अलावा वैलिडिटी होता है उसका कि कितने से कितने तक का वैलिड है ये। उसके अलावे आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पीछे काली पट्टी मिलती है जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां पे। उसके अलावे नीचे जाएंगे थोड़ा आप तो वहां पे आपको एक सीवीवी कोड देखने को मिलता है। अब सीवीवी कोड को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे सीवीसी। सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो यहाँ पे इसका कार्ड वेरिफिकेशन नंबर भी बोल सकते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन कोड भी बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम से भी इसे बुलाया जाता है। तो सीवीवी का काम क्या है, ये काम क्या करता है? वैसे अगर आप जैसे ऑफलाइन में अपने कार्ड को यूज करते हो तो आप कैसे, जैसे एटीएम कैसे, अगर आप कैश निकाल रहे हो तो वहां पे सीवीवी का तो कुछ काम लगता नहीं है। जैसे आप एटीएम में जाते हो, अपना कार्ड डालते हो, उसके अलावा अपना पिन डालते हो, पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये सीवीवी का काम कहाँ लगता है? तो यहाँ पे काम यहाँ पे लगता है कि जब आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन कहीं पेमेंट कर रहे हो, किसी को पैसे भेज रहे हो अपने कार्ड के थ्रू, तो वहां पे सीवीवी लगता है। जैसे सीवीवी को कार्ड को देखेंगे आप तो पीछे प्लेस किया गया, तो इसका रीजन ये है कि जैसे अगर आप कहीं भी कार्ड यूज कर रहे हो, आप एटीएम में या तो फिर कहीं शॉपिंग में जाते हो, तो वहां पे आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे तो वहां पे कार्ड के सामने तो सब कुछ डिटेल होता है। तो अगर कोई वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आपका कार्ड वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके डिटेल की, आपके कार्ड का नंबर क्या है, वैलिडिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको सामने से कार्ड की रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वहां पे फोटो वगैरह भी क्लिक कर लेता है आपके कार्ड का, तो क्लिक करने के बाद वो फोटो के अंदर से देख सकता है कि आपका कार्ड का डिटेल क्या है। तो यहाँ पे इसी को रोकने के लिए, अगर आपका कार्ड का डिटेल बहुत सारा किसी के पास चला जाता है, तो इसको रोकने के लिए सीवीवी का जो नंबर होता है उसे पीछे साइड प्लेस किया गया था, ताकि अगर आपके सामने से कार्ड का कोई फोटो क्लिक कर ले, वीडियो रिकॉर्ड कर ले, तो उसमें अगर डिटेल किसी के पास कार्ड का चला भी जाता है तो सीवीवी नंबर जो पीछे होगा वो नंबर उनके पास नहीं जाएगा। तो बिना सीवीवी के अगर कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है ऑनलाइन, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो वहां पे आपको कार्ड नंबर पूछता है, वैलिडिटी पूछता है, उसके अलावे वहां पे सीवीवी नंबर पूछा जाता है। और अक्सर आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट पे या पेटीएम पे पैसे वगैरह ऐड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सीवीवी जो नंबर होता है वो सेव नहीं होता। आपको जितनी बार ट्रांजेक्शन करेंगे उतनी बार आपको सीवीवी कोड वहां पे डालना होगा कि आपका जो कार्ड का सीवीवी क्या है। तो अगर कोई कार्ड किसी के पास चला जाता है, वहां पे डाल देता है सीवीवी और उनके पास नहीं है, तो ये आपके कार्ड का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से सीवीवी कोड बनाया गया। अब आप कहेंगे सीवीवी अगर चला भी जाता है तो मेरे पास ओटीपी नहीं आएगा, तो कैसे हम, अगर मैं ओटीपी शेयर नहीं करता तो कैसे फ्रॉड हो सकता है? तो बहुत सारे ऐसे हैकर्स वगैरह हैं जो कि आपके ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीवीवी को इसीलिए रखा गया है ताकि आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो सुरक्षित रहे, आपका पैसा सुरक्षित रहे। अगर आप किसी भी कार्ड में देखते हैं तो अगर आपका कार्ड जो है, अगर किसी वीजा कार्ड है तो वीजा कार्ड में आप देखेंगे तो 4 से 3 होता है, 3 नंबर का ये सीवीवी कोड होता है। वहीं अगर आप जाते हैं मास्टर कार्ड में तो 5 से 3 होता है, 3 नंबर का मास्टर कार्ड में आपको सीवीवी कोड देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप जाते हो अमेक्स कार्ड में, अमेक्स मतलब यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सीवीवी 4 नंबर का होता है, ये सीवीवी सामने के साइड पे प्लेस किया जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि सीवीवी क्या है, क्या इसका यूज है, और हमारे जो कार्ड होते हैं उसके पीछे साइड ही अक्सर क्यों प्लेस किया जाता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करिएगा, चैनल को तो अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।